हेलो फ्रेंड्स, आज हम कैनन 6575i एडवांस मशीन जो है इसमें 302 एरर जो आता है, 6275 में जो एरर आता है, एडवांस मशीन जितने भी है उसमें 302 एरर आता है, उसकी क्लीनिंग किस तरीके से करना है सीसीडी की, वो आज मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपको मशीन बंद कर देना है। जब तक के मशीन बंद होती है हम इसके पैनल्स हटा लेंगे। यहाँ पे दो स्क्रू है, यहाँ पे दो स्क्रू है, इसे भी निकाल लेना है। इसके बाद यहाँ साइड में ये बाईपास का डोर खोल के हमें यहाँ का साइड का पैनल निकालना है। इसके बाद रिसीविंग साइड से, पेपर रिसीविंग साइड से ये पांच स्क्रू है, इसे भी खोल के यहाँ अंदर एक स्क्रू है, इस वाले ब्रैकेट को निकाल लेना है। इसके बाद हमें गिलास निकाल लेना है। गिलास निकालने के बाद हमें सीसीडी इस ब्रैकेट के पास लाना है जहाँ से ये बाहर निकलेगा। पीछे बैक साइड में ये कवर है, इसमें दो स्क्रू है, इसे भी हम निकाल लेंगे बाहर। ये देखिए इस तरीके से बाहर आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर एक स्क्रू है, ये देखिए, जो इस केबल से लगी हुई है जिसे सीसीडी को आगे पीछे करता है स्कैनिंग के वक्त। यहाँ पीछे भी एक स्क्रू है। इसके बाद हम केबल को बाजू सरका के, ये देखिए इस तरीके से बाजू सरका के हम वन साइड से ऊपर करेंगे, फिर दूसरी साइड से भी निकाल लेंगे। यहाँ पर दो क्लिप है, यहाँ पे देखिए जो लॉक होते हैं, इसे बाहर की तरफ आराम से ढकेल के हमें, ये देखिए इस तरीके से इसे बाहर निकालना है। फिर यहाँ पे दो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट, ये देखिए बाहर निकल गया। इसके बाद इस लीवर को बहुत आराम से दबा के बाहर खींचना है, आपको केबल को नहीं पकड़ना है। इसके बाद हम इसके ऊपर ग्लास लगा देंगे और इसी के ऊपर रखकर हम इस सीसीडी को क्लीन करेंगे। देखिए इसके बाद इस एलईडी प्लेट पे दो स्क्रू है, ये दोनों स्क्रू खोल के हम इस प्लेट को सिंपल इस तरीके से पलट देंगे। पलटने के बाद अंदर के मिरर्स को हम लिंट फ्री क्लॉथ, यानी जो रेशे नहीं छोड़ता है, उस वाले कपड़े से क्लीन करेंगे। ये कपड़े आपको मोबाइल की शॉप पे मिल जाएंगे जो स्क्रीन साफ़ करने के होते हैं, इसी से आप करें। ये क्लॉथ बहुत नरम होते हैं और अच्छी तरीके से साफ़ करते हैं। ये देखिए तीन ब्रैकेट है इसके भी, तीनों ब्रैकेट को हम इसके बराबर लगा देंगे। इसके बाद इसके दोनों स्क्रू हम इस पे लगा देंगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए सीसीडी में यहाँ पर इस जगह पर ग्लू लगा हुआ होता है। ये जो कैमरे का बोर्ड होता है पूरा, यहाँ पर देखिए मैं लाइट चालू करके बताता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ एक ग्लू लगा हुआ होता है और दूसरी तरफ यहाँ एक ग्लू लगा हुआ होता है। ये दोनों जो ग्लू है ये कंपनी की तरफ से सेट किया हुआ होता है कैमरे की और हमारे मिरर्स के बीच में जो सेटिंग होती है, इसकी सेटिंग इन ग्लू पे टिकी हुई होती है। अगर हम क्लीन करने के लिए, यहाँ पर भी देखिए इस मिरर पे भी ग्लू लगा हुआ होता है, इन्हें हमें छेड़ना नहीं है, इसे तोड़ना नहीं है। क्या होता है, ज़्यादातर लोग इसके स्क्रू खोल के पूरा कैमरे यूनिट को बाहर निकाल के साफ़ करते हैं, जिसकी वजह से बाद में वो सेटिंग बिगड़ जाती है। हमें सिर्फ इसमें ब्लोर कर देना है इस तरीके से। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, कैमरे की तरफ यहाँ पर गैप होता है, यहाँ पर गैप होता है, यहाँ पर सिर्फ आपको एयर ब्लो करना है, हाई प्रेशर वाली एयर ग्लो करना है, जिसके बाद आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ज़्यादातर क्या होता है, इसे निकालने की वजह से, ग्लू को निकालने की वजह से इसकी जो सेटिंग होती है कंपनी की तरफ से, वो सेटिंग ख़राब हो जाती है। सेटिंग ख़राब होने से बार बार कुछ दिन चलती है मशीन और बार बार फिर 302 एरर आना शुरू हो जाता है। बाद में हम इसका केबल लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ पर दो क्लिप है, पहले इसे इंसर्ट करेंगे अंदर, और ये क्लिप है, ये क्लिप को भी बहुत नाजुक होता है, ये लॉक बहुत नाजुक होता है, इसे भी बहुत आराम से, अगर ये टूट जाए
तो भी हमारा 302 एरर लूज कॉन्टैक्ट की वजह से आता है, क्योंकि ये सीसीडी रन होता है स्कैनिंग के वक्त, तो इस वजह से लूज कॉन्टैक्ट होता है। ये देखिए, हमें प्लास्टिक के नॉब को पकड़कर अंदर ढकेलना है, केबल को हाथ नहीं लगाना है। ये आप थोड़े छोटे छोटे प्रिकॉशंस लेंगे तो आपकी मशीन में 302 एरर नहीं आएगा। इसके बाद ये दोनों क्लिप अंदर लगाना है आपको इस तरीके से। इसके बाद यहाँ के जो दो क्लिप है, लॉक है, सिंपली इसे नीचे से ऊपर पुश कर देना है, ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी। ये देखिए, ये बैठ गया है। इसके बाद यहाँ से हम केबल हटा के, वन साइड हटा के इसे अंदर लगाएंगे, और दूसरी साइड भी उसी तरीके से केबल हटा के हम नीचे टेक देंगे। इसके बाद होल अलाइंस करके हम स्क्रू लगा देंगे यहाँ पर भी। ये देखिए, पैनल्स पूरे हम लगा देंगे। ये फ्रंट का है, इसके साइड के जो दोनों स्क्रू है वो निकाल के रख देना, क्योंकि बार बार हमें क्लीन करना होता है, तो इतने पूरे पैनल निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गिलास लगा देंगे, गिलास हमने पहले ही क्लीन कर लिया है। यहाँ के दोनों स्क्रू कुछ अलग है, बड़े माथे वाले स्क्रू है। बैक साइड में छोटे स्क्रू हैं। इसके बाद इस पैनल को लगा दे, पीछे लॉक है इसके, और ये तीन लॉक है जो अंदर इंसर्ट होंगे। इस साइड पैनल के दो स्क्रू है, वो भी लगा देंगे, वो भी बारीक स्क्रू है, छोटे वाले। ये स्क्रू भी लगा देंगे हम। इसके बाद हम ऊपर का सीसीडी साफ करेंगे एडीएफ का। इसके लिए इसके फ्रंट का पैनल खोलना पड़ेगा हमें। इसके पांच स्क्रू है, वो पांच स्क्रू खोलने के बाद यहाँ पर दो लॉक होते हैं, इन दोनों लॉक को दोनों अंगूठों की मदद से दबा के बाहर खींचना है हमें। ये देखिए, ये दो लॉक है, इस तरीके से पैनल बाहर आ जाएगा। इसके बाद हमें इस लीवर को दबा के इसे नीचे करना है, और इस वाले लीवर को दबा के इस रोलर को पीछे करना है। इसके बाद ये हमारी ग्लास ऊपर से निकालना है, ये एडीएफ के सीसीडी की गिलास है जहाँ से पेपर स्कैन होता है। ये देखिए कितनी मट्टी निकली है इस पे से, इसे हमें अच्छे से क्लीन करना है। मोबाइल स्क्रीन साफ करने का जो क्लॉथ होता है बहुत अच्छा होता है इस तरीके की क्लीनिंग के लिए। इसके बाद इस एडीएफ के पैनल को खोल के हम ये दो स्क्रू है, इस वाले लीवर को ऊपर करेंगे, और ये मेटल की प्लेट बाहर निकाल लेंगे। तो हमारा एडीएफ का सीसीडी हमें दिख जाएगा। इसके बाद हम ये छोटा स्क्रू ड्राइवर यूज़ करेंगे मैग्नेटिक, ताकि हमें ये फ्लैप पूरा ना खोलना पड़े। सीसीडी इन दो स्क्रू पे फिट है, ये देखिए, बैक साइड में एक स्क्रू है। इसके बाद इस वाले पैनल को निकाल लेंगे, यहाँ पे भी दो स्क्रू है। आपको स्क्रू याद रखना है कौन से किसके है, छोटे बड़े स्क्रू है, बाद में फिट करते टाइम वो बराबर लगना चाहिए।
अब इस वाले केबल को निकालने के लिए हमें साइड से प्लास्टिक को पकड़ के और लीवर को दबा के ऊपर खींचना है, केबल को नहीं पकड़ना है। इन दोनों लीवर्स को पकड़ के हमें इस वाले रास्ते से इसे बाहर निकालना है। ये देखिए यहाँ से ये बाहर नहीं निकल रहा है। इस वाली मशीन में सीसीडी बाहर निकालने के लिए इस लॉक दिया हुआ है, इस लॉक को आपको दबा के ऊपर करना है। मैं आपको बताता हूँ एक सेकंड। ये देखिए यहाँ पर जो है तो वाइट लीवर है, उसे नीचे दबा के इस ब्लू वाले लीवर को ऊपर करके लॉक कर देना है। इसके बाद ही हमारा सीसीडी बाहर आ जाएगा। अब इस ये देखिए इस पर भी कितनी धूल है, इसे हम सबसे पहले ब्लोर कर लेंगे। फुल स्पीड पर रख के हम हवा मारेंगे जिससे कोनों में इसकी जो धूल है वो बाहर निकल जाए। इसके बाद इसी तरीके से हम दूसरे सीसीडी को भी क्लीन करेंगे। पहले एलईडी की प्लेट को बाहर निकाल लेंगे दोनों स्क्रू खोल के। बाद में तीनों क्लिपे इसे साइड स्लाइड करके साइड में इसे ऊपर उठा के साइड में रख देंगे इस तरीके से बस। इसके बाद हमें मिरर्स को साफ करना है। ये देखिए कितनी मट्टी निकल रही है अंदर से धूल। अच्छे से क्लीन कर लेना है। आपके फिंगर टच नहीं होना चाहिए मिरर को, वो ध्यान रखना है आपको। नीचे बेस में भी एक मिरर है छोटा, उसे भी क्लीन करना है। इसके बाद हम इस प्लेट को भी साफ कर लेंगे। तीनों क्लिप उसके बराबर ब्रैकेट में लगा देंगे। इसके बाद इसके दोनों स्क्रू भी फिट कर देंगे, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो मैंने पहले बताया हूँ ग्लू, वो ग्लू को तोड़ना नहीं है। कैमरा ज़्यादा साफ़ करने के चक्कर में हमें क्या हो जाता है कि हमें तो उसकी सेटिंग को छेड़ देते हैं और बाद में वो बराबर वर्क नहीं करता है। तो जिस तरीके से हमने निकाला था उसी तरीके से हम इसे इंसर्ट करेंगे, अंदर लगाएंगे। ये ब्रैकेट है जो उसके सॉकेट में बराबर हमें लगा के नीचे करना है धीरे धीरे, ये देखिए। और इसके बाद इसे नीचे ढकेल देना है इस तरीके से, ये बैठ जाएगा। इसके बाद इसका कनेक्टर हमें प्लास्टिक का जो ब्रैकेट होता है उसे पकड़ के सिर्फ अंदर ढकेल देना है। ये बराबर बैठ नहीं रहा है क्योंकि मैंने नीचे जो लीवर होता है उसे नीचे नहीं किया। ये देखिए इस लीवर को नीचे करना है और ये फ्लैप को स्लाइड करके बाजू कर देना है। अब हमारा सीसीडी बैठ जाएगा। ये देखिए बैठ गया है अपने पोजीशन पे। अब इस लॉक को नीचे कर देंगे। इसके दो लंबे स्क्रू है, ये देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, लंबे स्क्रू है। इसे मैग्नेटिक स्क्रू ड्रायर की मदद से लगाइए ताकि वो नीचे गिर ना जाए। ये देखिए एक साइड का फिट हो गया, दूसरी साइड का करेंगे हम। ये देखिए दूसरा स्क्रू है, ये हमारी क्लीनिंग हो चुकी है। अब बाकी के पैनल इसके लगा देंगे, इस वाले पैनल को भी लगा देंगे। इसके दो स्क्रू है, आप स्क्रू का खास ध्यान रखिए, जो स्क्रू जहाँ से निकल रहा है वहीं लगाए। किसी में वाइशर लगा होता है, किसी में गाला बना होता है, किसी में मोटा होता है, कोई छोटा स्क्रू होता है, आप बराबर उसी तरीके से लगाएं। सब पैनल्स को अच्छे से साफ़ करके हम इसमें फिट कर देंगे।
यहाँ पे दो होल दिए हुए हैं जो नीचे ब्रैकेट में इस तरीके से फिट हो गए। इसके बाद पैनल को नीचे करके दोनों को साथ में लगा के हमें स्क्रू लगाना है। ये देखिए इसमें गाला बना हुआ है स्क्रू में, स्पेशल स्क्रू है। तो आप ये खास ध्यान रखिए कि जो स्क्रू निकल रहा है जहाँ से वो याद रखें। इसके बाद फ्रंट पैनल को लगा देंगे। पहले हम गिलास लगा देंगे, इस लीवर को नीचे करके और फ्लैप को हटा के ये वाइट वाली जो पट्टी है वो हमारी सीसीडी की तरफ जाएगी। ये देखिए लीवर को बाजू खींच के हम गिलास अंदर इंसर्ट कर देंगे। अब इस वाले पैनल को हम अंदर ढकेल के लगा देंगे। ये देखिए निकालते वक्त दबा के निकालना है और लगाते वक्त सिर्फ आपको प्रेस कर देना है, वो क्लिप में बैठ जाएगा। ऊपर इसके तीन स्क्रू है, एक यहाँ पर है, उसके बाजू एक यहाँ पर है और एक इस साइड में एक स्क्रू है। इसके बाद नीचे दो स्क्रू है इसके, ये वन साइड प्लास्टिक स्क्रू, प्लास्टिक टू प्लास्टिक स्क्रू, रफ स्क्रू बोलते हैं जिसे, और इधर फाइन स्क्रू यानी मेटल में जाने वाला स्क्रू है। ये साइड के पैनल के स्क्रू लगा देंगे हमने जो खोले थे। तो इसके बाद अब हम कॉपी मार के चेक करेंगे, स्कैनिंग करके या जेरोक्स मार के, टू साइडेड जो 302 एरर आ रहा था हमारा वो गया है कि नहीं। ये हमारा साइड का ब्रैकेट एक रह गया था। रिसीविंग ट्रे लगा देंगे। ये देखिए बैक टू बैक कॉपीज हमारी आना शुरू हो चुकी है। ये देखिए मैं आपको और कॉपी मार के बताता हूँ, 2x2 साइड करके, यानी ऊपर का भी स्कैनर यूज़ होगा और नीचे का भी स्कैनर यूज़ होगा। दोस्तों मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहता हूँ। ये था हमारा वीडियो 302 एरर के लिए सीसीडी को किस तरीके से क्लीन करना है। आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल बाबा फिक्स को। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू।